करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। बात रही आप जो सामने मेरे खड़े हो श्रीमती वर्षा राउत जी की नोटिस के बारे में, नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है, नोटिस मेरे नाम पर नहीं है, मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है, को उसका मार्गदर्शन मैं करूँगा। सर क्या आज हो जाएंगे? मैंने बता दिया कि मैंने अब तक नोटिस देखी नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा। कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस देश में कानून है आज भी, और अगर हमारे जैसे लोग कानून का आदर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जी हाँ, थोड़ा टाइम, अभी इतनी बड़ी केस है, पूरा देश हिल गया है, और कुछ नहीं देश में हमारे आजकल, कुछ नहीं है ना। मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा, सरकार को बड़ा काम मिल जाएगा, लेकिन अब तो ये एक ही केस इस देश में चल रहा है जो 50 लाख का है सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं और हम भी जो सरकारी कागज़ मेरे पास आया है हमारे घर पे उसका मैं आदर करता हूँ और सभी ने करना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है जी, जी। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी, जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसको धमकी मानता हूँ सरकार के लिए, और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं हुआ। जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा।